तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू द मीम रिव्यू। तो आज हम फिर से देखेंगे मीम। फर्स्ट मीम ऑफ केजीएफ। बस हवा निकल गई। इंटरेस्टिंग। कांग्रेचुलेशंस। मैं रंडी हूँ। National issues to deal with, Raghavan. ऐसे छोटे छोटे गुंडों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। This is a state matter and they will handle it. No, just 5 minutes, ma'am. Please, ma'am. गाड़ मार दूँगा तेरी। यू बहन के भोसड़े। How funny is this? क्या सोच के बनाते हैं, इतना गजब था। Awesome. Next. मैंने ये सुना था कि दोगेश का मीम बहुत फेमस है, तो हम देखते हैं अब दोगेश का मीम। चलो शुरू करते हैं। एक बार विधायक जी मेडिकल स्टोर गया, दोगेश एक कंडोम देना। दोगेश जैसे ही कंडोम लेने के लिए पीछे मुड़ा, विधायक जी काउंटर में से बबल गम चुरा कर खा गए। दोगेश ने विधायक जी को कंडोम दे दिया। विधायक जी कंडोम लेके जाने लगे तो दोगेश बोला, विधायक जी यूज कर लेना तो कंडोम वापस कर देना, हम खरीदते हैं। विधायक जी हुए, लेकिन भोसड्डी के रोगेश यूज कंडोम का क्या करोगे। दोगेश बोला, बबल गम बनाते हैं। विधायक जी गुस्से में बोले, बबल गम समझ कर कंडोम खा गया, तेरी बहन को चोंदू माधु चोद। देखो चोरी भारी पड़ गया ना। नेक्स्ट। एक गांव में एक शराबी व्यक्ति रहा करता था। वो अपने घर के बाहर खाट डालकर बैठता था और गली में हर आने जाने वालों को गालियां बकता था। चोर माई के बूमर रूक तेरी माँ। अरे ये क्या है भाई, भाई बादाम मूंगफली का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चुमता हूँ माई का भूषणा तेरी, काय भौजी देरी का, तेरी माँ की, माँ की चुमत। वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति उससे परेशान था। जब उस शराबी का अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटों से कहा, कुछ ऐसा काम करना जिससे लोग मुझे अच्छा कहे। बेटे बड़े पिता भक्त थे। उसके गुजरने के बाद उसके बेटों ने बहुत सोचा और एक निर्णय लिया। अब वो गली में खड़े होने लगे और हर आने जाने वालों को गाली तो बकते ही थे, तेरी माई को चूम दू, तेरी चाची की चूमत मैं या चूमत दे हम तुम्हारी। साथ में लाठी भी मारते थे, भौजी लड़ तो खा ले। घर से बाहर काय निकरो काय निकरो काय निकरो, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनसे अच्छा तो इनका बाप ही था, जो सिर्फ गालियां देता था, मारता तो नहीं था। awesome भाई awesome, इनके मीम बहुत फनी होते हैं। नेक्स्ट मीम। एक दिन में 13 बार मुठ मरने के कारण दोगेश की मृत्यु हो गई। मुठ मरने से मृत्यु हो जाती है क्या? What the fuck? मरने के बाद दोगेश नरक में पहुंचा। नरक में आपका स्वागत है। इधर 3 दरवाजे हैं और हर कोई अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसीलिए तुम्हें भी एक दरवाजा चुनना पड़ेगा। और याद रहे, तुमने जिस दरवाजे को एक बार चुन लिया तो फिर दूसरा दरवाजा नहीं चुन सकते। ठीक है यमराज जी, मैं दरवाजे के अंदर देख कर आता हूँ। अरे बहन चौद, यहाँ तो आदमी को काट कर सजा मिल रहा है, इसमें गया तो मुझे भी काट दिया जाएगा। अगले दरवाजे में देखता हूँ, यहाँ गया तो ये लोग मुझे गर्म तेल में उबाल देंगे। अगले दरवाजे में जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है।
अरे वाह, यहाँ तो गुलाम भी लड़की लंग चूस रही है। इस दरवाजे में ही जाने में फायदा है। कटने और तेल में उबलकर सजा भुगतने से अच्छा है कि मैं यहीं रहूँगा और इस लड़की से अपना लंग चुसवाऊंगा। यही सजा मस्त है। हुए हुए हुए। यमराज जी, मैं तीसरे दरवाजे में जाना चाहता हूँ। ठीक है मनुष्य, पर एक बात याद रखना कि तीसरे दरवाजे में जो कोई भी जाता है उसे वहाँ 3 साल तक सजा भुगतना पड़ता है। मैं यह सजा के लिए तैयार हूँ। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ यमदूत, इधर आओ। तीसरे दरवाजे वाली पापी लड़की को जाकर कह दो कि उसकी सजा खत्म हुई और अब उसकी जगह लेने नया मनुष्य आ चुका है। जाओ चालाक मनुष्य, अपना स्थान ग्रहण करो और सुबह शाम लंग चूस कर अपनी सजा भुगतो। गया भाई, गया, खत्म खत्म। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो भाई। लाइक क्यों नहीं करते? गुड बाय। गड्ढे का मालिक कौन है? मंचूर।